हेलो डियर, आज मैं आपको लॉरियल क्रीम के बारे में बताऊंगी। जे हेयर क्रीम है, जे लॉरियल क्रीम एक्सटेंशो केयर क्रीम है, जे प्रो कैराटीन इन सेल क्रीम है, जे एंटी डैंड्रफ है, जे हमारे जो हेयर ड्राई हो जाते हैं, हम जब हेड वॉश करते हैं बाद में हमारे हेयर में ड्राइनेस आ जाती है, हमारे हेयर ड्राई ड्राई लगने लग जाते हैं, तो उसके लिए हम जे क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। जे बहुत अच्छी लॉरियल की प्रोफेशनल क्रीम है। जे क्रीम मार्केट में अवेलेबल है। जे हमें ऑनलाइन मंगाना है तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, बट जे मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इसे लगाने से हमारे हेयर और भी अच्छे शाइन करने लग जाते हैं और इससे हमारे हेयर सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं। इसे करने से हमारे हेयर को प्रोटीन भी मिलती है। जे मैंने मार्केट से ख़रीदा था, 630 रुपीज़ का ख़रीदा था, और आप इसे ऑनलाइन भी यूज़ में ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं। जे बहुत अच्छी क्रीम है और प्रोफेशनल क्रीम है। जे हमें अपने हेयर के ट्रीटमेंट के बाद हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। हमें अपने जैसे हम स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग करवाते हैं, हमें 1 वीक और 1 वीक के बाद जे क्रीम अप्लाई करनी चाहिए। तो ऐसे नहीं कि हमने ट्रीटमेंट लिया और कुछ भी बाद में, ना शैम्पू ना कोई स्पा लिया, तो हमारे ऑलमोस्ट हेयर ख़राब तो होंगे। हमें अपने हेयर की केयर के लिए और अच्छे शैम्पू और क्रीम तो यूज़ करनी पड़ेगी, तो फिर ही फ़ायदा होगा ना हमारे हेयर ट्रीटमेंट का। तो मुझे बहुत क्लाइंट पूछ रहे थे, मैम कौन से शैम्पू, कौन से हमें मास्क वगैरह यूज़ करने चाहिए जो हमारे हेयर अच्छे रहें। तो मैंने शैम्पू तो एक लॉरियल का डाल दिया, तो बहुत क्लाइंट मुझसे लॉरियल की ही कैराटीन और स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग जे ही करवाते हैं, और मैंने इसका शैम्पू तो डाल दिया है और जे इसकी क्रीम है। जे हमें 1 वीक बाय वीक तो इसे यूज़ करना चाहिए, तो फिर ही हमारे हेयर अच्छे रहेंगे ना, तो फिर ही हमारे हेयर स्मूथ रहेंगे। तो इतने हम पैसे भी लगाते हैं अपने हेयर पे, तो हमने प्रोडक्ट ही ना यूज़ किए तो फिर हम अपने हेयर को अच्छा कैसे रख पाएंगे। तो डियर, हमें ये शैम्पू और लॉरियल का जे क्रीम यूज़ करना चाहिए, तो फिर ही हमें रिज़ल्ट पता लगेगा। तो प्लीज़ जे शैम्पू और मास्क वगैरह लीजिए और अपने हेयर में कंटिन्यू इसको अप्लाई किए, और फिर ही हमें अपने रिज़ल्ट को पता लगेगा क्या बेनिफिट्स है। तो हेयर के लिए तो हमें ट्रीटमेंट ज़रूरी है। प्लीज़ गाइस, इसे फॉलो कीजिए और जे बाय कीजिए और अप्लाई कीजिए अपने हेयर में, तो फिर ही हमें रिज़ल्ट पता लगेगा। प्लीज़, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय।